वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विजर्ड। आज करने वाले हैं हम एरर्स पे न्यूमेरिकल। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें मैंने सारी एरर्स को एक्सप्लेन किया है, मैंने मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर को बहुत डिटेल में विद फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, प्लीज उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रिव्यू दैट लेक्चर वंस, जिससे आप आज का हमारा ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली, बहुत सरलता से एक एक स्टेप्स को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। चलिए जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा आज का न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है? An object was weighed by a physical balance. हमने एक ऑब्जेक्ट को वे किया फिजिकल बैलेंस से, and following readings were obtained. और ये पांच रीडिंग निकल कर आई। सबसे पहली रीडिंग निकल कर आई 5.04 ग्राम, दूसरी रीडिंग निकल कर आई 5.06 ग्राम, तीसरी रीडिंग निकल कर आई 5 ग्राम, चौथी निकल कर आई 4.97 ग्राम एंड फिफ्थ निकल कर आई 4.93 ग्राम। क्या कर रहे हैं बच्चों? हम लोग एक वेट ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसके वेट को एक फिजिकल बैलेंस पे मेजर किया और जब पांच बार मेजर किया तो ये पांचों वेइंग के आउटपुट निकल कर आए हैं। अब क्या करना है? हमें मीन वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मीन वैल्यू निकालनी है, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर भी निकालना है और परसेंटेज एरर भी निकालना है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत जल्दी समझते हैं और देखते हैं क्या होता है मीन वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं एरर का फॉर्मूला। क्या होता है एरर का फॉर्मूला? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है बेटा? जो भी किसी भी एलिमेंट की एक्चुअल, किसी भी एलिमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको हम मेजर करके निकालते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी वैल्यू आई है ये सारी की सारी हमारी मेजर्ड वैल्यू है, और जो उस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल वेट है, जो स्टैंडर्ड वेट है, वो है हमारा ट्रू वैल्यू। तो हमारा एरर हमेशा याद रखना, एरर होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सपोज इस मार्कर की ट्रू वैल्यू है 6 इंच और मैंने मेजर करी 5.5, तो एरर कितनी निकल कर आएगी? सपोज इस मार्कर की ट्रू वैल्यू है, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू है 6 इंच और मैंने किसी भी स्केल से मेजर करने के बाद इसकी वैल्यू निकाली 5.5 इंच, तो एरर कितना हुआ? 6 माइनस 5.5, यानी कि 0.5। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है, हम हमेशा अपनी एरर का मोड लेते हैं। मतलब भले ही हमारी वैल्यू 10 हो, भले ही हमारी वैल्यू माइनस 10 हो या भले ही हमारी वैल्यू 10 हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मोड के अंदर रखी हुई वैल्यू अगर माइनस में है या प्लस में है, उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चा? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी हमारी ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम हो जाती है। जैसे हमारी ट्रू वैल्यू है 10, बट हमने मेजर करी 10.5, तो ये थोड़ी कहेंगे कि एरर माइनस 0.5 है ना, हम मोड निकालेंगे और बोलेंगे एरर हमारी 0.5 है। समझ में आया? या फिर इसको हमेशा हायर ऑर्डर से माइनस कर सकते हैं, 10.5 माइनस 10, तो भी हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? मोड ऑफ 0.5, तो भी हमारा 0.5 है। कहने का मतलब यह है, भले ही ट्रू वैल्यू ज्यादा हो मेजर्ड वैल्यू से और भले ही हमारी मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो, हमारी एरर हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। आगे बात समझो बेटा, एरर का मोड जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा
पॉजिटिव आएगी। अब देखते हैं हमारा आज का न्यूमेरिकल का पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, और जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या होता है मीन वैल्यू का फॉर्मूला? ऑप्शन नंबर ए, मीन वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी? एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मीन वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए ऑफ मीन विल बी इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री टिल ए एन डिवाइड बाई एन। ए क्यों लिया? क्योंकि एनसीईआरटी में भी ए ही लिया गया है। और क्या लिखते हैं? इक्वल टू समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन टिल ए एन डिवाइड बाई एन। ठीक, क्या कह रहा है? समेशन ऑफ ए एन, जहां पर आई स्टार्ट हो रहा है वन से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है? एन तक, और जितना एन तक जाएगा उतनी ही एन से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या लिखा है वैल्यू? सबसे पहले क्या निकलेगा इसका मीन? सबसे पहले वेइंग स्केल पे क्या है? 5.04 ग्राम। दूसरी वैल्यू कितनी है? 5.06 ग्राम। तीसरी वैल्यू कितनी है? 5 ग्राम। चौथी वैल्यू कितनी है? 4.97 ग्राम। अगली वैल्यू कितनी है? 4.93 ग्राम। हटा देते हैं क्योंकि सब ग्राम नहीं है। डिवाइड बाय कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3, 4, 5। जल्दी से जरा जोड़िए, कितना आएगा निकल के? फटाफट जोड़िए, ये निकल कर आएगा। जल्दी से करिए सब लोग साथ में, कॉपी पेन निकाल लीजिए और करिए साथ साथ। इस वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 25 डिवाइड बाय 5 विल बिकम 5। यानी कि हमारी मीन वैल्यू कितनी निकल कर आई? मीन वैल्यू है हमारी 5, आंसर नंबर 1। ठीक है बेटा, आया समझ में? क्या करा हमने? सारे मीन वैल्यू को जोड़ दिया और जितने नंबर ऑफ मीन वैल्यू है उतने नंबर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये हमारा मीन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। जब सबको जोड़ा तो वैल्यू निकल के आई 25, डिवाइड कर दिया 5 से, देन द ए ऑफ मीन, यानी कि ए ऑफ मीन इज इक्वल टू 5। जल्दी से सॉल्व कीजिए, आगे देखते हैं। जल्दी से देखते हैं अपना न्यूमेरिकल का दूसरा ऑप्शन क्या है, एब्सोल्यूट एरर। बेटा हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर का? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। और मैंने बताया एरर को हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं, कभी भी एरर को नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, और वो नेगेटिव ना हो जाए इसके लिए हम इस वैल्यू का मोड ले लेते हैं। ये तो बताया अभी, हमेशा जिसका आउटपुट निकल कर आएगा उसका हम मोड लेंगे। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम चाहते नहीं है हमारी एरर कभी भी नेगेटिव हो। अगर हमारी इंडिविजुअल वैल्यू मीन वैल्यू से ज्यादा हो भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, हम उसका मोड ले लेंगे और उसको पॉजिटिव कर देंगे। कितनी आएगी हमारी मीन वैल्यू? पहले देखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा ए वन। डेल्टा से लिखते हैं ना ए को, एब्सोल्यूट एरर को। डेल्टा ए वन विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ मीन माइनस ए वन। कितना आया डेल्टा ए वन जल्दी बताओ? कितनी वैल्यू है? माइनस फाइव, सॉरी मीन कितना है? 5 माइनस 5.04 का मोड। डेल्टा ए टू कितना होगा? मोड ऑफ 5 माइनस 5.06। डेल्टा ए थ्री कितना होगा? मोड ऑफ 5 माइनस 5। अरे वाह, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत नई बात निकल के आएगी यहां पे, अभी डिस्कस करेंगे। डेल्टा ए फोर कितना होगा? मोड ऑफ 5 माइनस 4.97। और डेल्टा ए फाइव कितना होगा? मोड ऑफ 5 माइनस 4.93। क्या आई पहली वैल्यू हमारी? माइनस, मोड ऑफ माइनस 0.4। अब मोड में माइनस की वैल्यू भले ही हो, प्लस की वैल्यू क्या लिखते हैं इसको? 0.04। तो हमारी पहली एब्सोल्यूट एरर आई 0.04। दूसरी क्या आएगी? मोड ऑफ माइनस 0.06। फिर से मोड हटा के क्या लिखेंगे? 0.06। दूसरी आई 0.06। तीसरी वैल्यू क्या आ रही है? 0। यानी कि जब भी हमारी मीन वैल्यू, प्यारे बच्चों, जब भी हमारी मीन वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो हमारी एब्सोल्यूट एरर 0 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई न्यूमेरिकल दे रखा है एक्सरसाइज में, उसकी मीन वैल्यू उसकी इंडिविजुअल वैल्यू के बराबर है, तो बिना सोचे समझे उसको एब्सोल्यूट एरर को 0 कर दीजिए। ठीक है,
अगला क्या है, 5 माइनस 4.97 कितना आया, 0.03, तो वैल्यू आई 0.03, लास्ट वैल्यू 0.07 और मोड के बाद लिखेंगे 0.07। आया बेटा समझ में, बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है मीन वैल्यू जो भी हमने निकाली उसमें से इंडिविजुअल वैल्यू को एक एक करके घटाते चलिए, भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो हमेशा पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि एरर को हमें मोड लेने के बाद उसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही रखना है। अगला ऑप्शन देखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी, मीन एब्सोल्यूट एरर। है ना प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने का क्या फॉर्मूला था, हमने मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को डिलीट किया था ना, हमारी मीन वैल्यू थी 5 और इन इंडिविजुअल वैल्यू को ये करके डिलीट किया और उसका मोड ले लिया। अब क्या करेंगे, निकालेंगे डेल्टा ऑफ ए मीन। डेल्टा ऑफ ए मीन का क्या फॉर्मूला है, समीशन डेल्टा ऑफ ए एन, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 टिल n। तो हमारा i कहां से चल रहा है, फ्रॉम 1 से n, और जितने नंबर ऑफ वेट इन्वॉल्वड है, जितने नंबर ऑफ इटरेशन इन्वॉल्वड है उतने से डिवाइड कर देंगे। यही तो है फॉर्मूला मीन का। तो क्या है, सबसे पहला मोड ऑफ 5 माइनस 5.04, यानी कि माइनस का 0.04 प्लस माइनस का 0.06 प्लस 0 प्लस 0.03 प्लस 0.07 डिवाइड बाई 5। क्या कर रहे हैं बेटा जी, भले ही वैल्यू 0 हो, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, ये तो वैल्यू 0 को इसको हटा दो, ना बेटा ना, भले ही वैल्यू 0 हो जाए बट दिस इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज इन्वॉल्व इन दिस कैलकुलेशन। तो हम यहां पर 0 भी लिखेंगे और नंबर ऑफ डिवाइड में भी 4 लिखेंगे। ये नहीं कि सर ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो 4 ही है, नहीं 5 टोटल वैल्यू। जल्दी से इसका मोड खोलोगे तो भी प्लस आएगा, नेगेटिव प्लस प्लस एंड प्लस, 0.04 प्लस 0.06 प्लस 0.03 प्लस 0.07 डिवाइड बाई 5 निकल कर आएगा 0.0418। सो दिस इज द आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा ऑफ ए मीन विल बी इक्वल टू 0.0418। ठीक है बच्चा, क्या करा हमने, हमने अपनी एब्सोल्यूट एरर्स जो इससे पिछले न्यूमेरिकल पिछले स्टेप में कैलकुलेट करी उसको जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व हैं उससे डिवाइड कर दिया। भाई यही तो तरीका पड़ा है मीन निकालने का, जितने नंबर ऑफ कैलकुलेशन और जितनी बार कैलकुलेशन करी उतने से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके वैल्यू हमारी निकल कर आई। अब देखते हैं क्या कह रही है रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। अब देखते हैं अपना न्यूमेरिकल का सेकेंड लास्ट ऑप्शन, जिसको बोला रिलेटिव एरर। एक साथ देखते हैं दोनों को, ठीक है, रिलेटिव एरर और यहां देखते हैं परसेंटेज एरर। जल्दी से बताओ रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ऑफ ए मीन डिवाइड बाय ए मीन, और डेल्टा ऑफ ए मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकाल कर आए हो, 0.0418 और मीन वैल्यू कितनी है 5। जल्दी डिवाइड करो, बताओ कितना निकल कर आएगा, जल्दी करो बेटा बताओ कितना निकल कर आया, ये निकल कर आएगा 0.20836 और रिलेटिव एरर कोई कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, क्या होती है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर देखिए लास्ट ऑप्शन, रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर कितनी है, फॉर्मूला डेल्टा ऑफ ए मीन डिवाइड बाय ए मीन इनटू 100। अगर ऐसे लिखना है तो वरना इस वैल्यू को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल कर आएगा, 0.2 टाइम 0
836 into 100 will be equal to, दो जीरो खत्म हो जाएंगी, तो 0.836%, तो हमारी परसेंटेज एरर निकल कर आई 0.83% आंसर ऑफ ई, और हमारी रिलेटिव एरर निकल कर आई 0.083 आंसर ऑफ डी। आ गया पहले बच्चों समझ में, हमने इस एक न्यूमेरिकल में सारी एरर्स को निकालना कैलकुलेट कर लिया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार इससे पहले वाले लेक्चर को, जिसमें मैंने सारी एरर्स को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, तभी इस न्यूमेरिकल को आप लोग अप्रिशिएट करेंगे और इजिली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चन प्लीज राइट ऑन आवर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज, और आप यहां पर भी कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Till then, stay safe and all the very best.